बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। बोलिए भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की। बोलिए परम भक्त श्री तुलसीदास जी की। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सभी कथा प्रेमी बंधु बांधवों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, हमारे वेद पुराणों में अनेकानेक रोचक एवं प्रेरक प्रभु कथाओं का वर्णन आता है, जिन्हें सुनकर उनसे प्रेरणा लेकर भक्त ईश्वर के और समीप हो जाता है। आप सभी ने रामायण देखी, पढ़ी व सुनी होगी और प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के विषय में भी जानते होंगे। यह बात सर्वविदित है भक्तों कि प्रभु श्री राम का श्री हनुमान जी जैसा भक्त न तो सृष्टि में कोई हुआ है और न कोई होगा। परंतु क्या आप कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि उन्हीं भगवान और उनके परम भक्त के मध्य कभी युद्ध भी हुआ होगा? विश्वास नहीं होता ना भक्तों, परंतु हमारे वेद पुराणों के अनुसार ऐसा एक बार हुआ था। आज मैं आपको उन्हीं वेद पुराणों में वर्णित श्री राम और श्री हनुमान जी के युद्ध की वो पावन कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप भगवत कृपा प्राप्त करेंगे। भक्त और भगवान के मध्य युद्ध क्यों हुआ और इस युद्ध का क्या परिणाम निकला, आइए इस पावन गाथा के माध्यम से सुनते हैं। तो एक बार फिर बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान। युद्ध करने क्यों सन्मुख आए, युद्ध करने क्यों सन्मुख आए राम जी और हनुमान। कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान। एक समय की बात है भक्तों, स्वर्ग में देवराज इंद्र की सभा जुड़ी हुई थी कि अचानक भक्त, भक्ति और भगवान का विषय निकल आया। यह चर्चा होने लगी कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। पृथक पृथक नामों पर चर्चा हो रही थी। सभा में शनिदेव भी उपस्थित थे और उन्हें पूर्ण विश्वास था के सब उन्हीं को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बताएंगे और सर्वश्रेष्ठ भक्त की पदवी भी प्रदान करेंगे। के तभी सभा के मध्य पवन देव खड़े हो गए और उन्होंने पवित्र ग्रंथ रामायण में उल्लिखित सुंदर कांड का हवाला देते हुए अपने पुत्र हनुमान को प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त बता दिया। सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं ने एक स्वर से पवन देव की बातों का समर्थन किया और श्री हनुमान जी को प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त बताते हुए उन्हें भक्त शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। इस बात से शनि देव
स्वयं को अपमानित जान अत्यंत क्रोध में आ गए और सभा को छोड़कर चले गए। मार्ग में सोचते जा रहे हैं कि किस तरह हनुमान से भक्त शिरोमणि की पदवी छीनी जाए। जो ही हनुमत को सबने बड़ा था भक्त बताया, सभा को छोड़ शनिवार क्रोध उनको चढ़ आया। अपने अपमान का बदला मैं तो ले करके रहूंगा, पवन सुत हनुमान की महिमा ना बढ़ने दूंगा। पवन सुत हनुमान की महिमा ना बढ़ने दूंगा। ऐसी लीला रच के रहूंगा, ऐसी लीला रच के रहूंगा, देखेगा जान। कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान। शनि देव क्रोध में चले जा रहे हैं कि तभी मार्ग में उन्हें पवन देव मिलते हैं और जानबूझकर उनका उपहास करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं। शनि देव पवन देव की धृष्टता को देखकर और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं और उसी समय स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर सरयू नदी के तीरे आकर एक निर्जन स्थान पर दुखी हृदय के साथ बैठ जाते हैं। बैठे बैठे सोच रहे हैं किस तरह हनुमान से उनकी भक्त शिरोमणि की पदवी को ले लिया जाए कि तभी क्या देखते हैं, गुरु विश्वामित्र सरयू नदी में स्नान करने आ रहे हैं और दूसरी ओर विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु भारत भ्रमण को आया हुआ है और सरयू नदी में नौका विहार कर रहा है। शनि देव के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी भक्तों, और उन्होंने हनुमान जी से परम भक्त होने की पदवी छीनने का उपाय सोच लिया। तुरंत ही शनि देव राजा चंद्रकेतु के शीश पर चढ़ जाते हैं और राजा चंद्रकेतु की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। आगे इस कथा में क्या होता है भक्तों, ध्यान लगाकर बड़े प्रेम श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते जाइए। ज्यों ही शनि शीश पे आए चंद्र के तू भरमाए, गुरुवर विश्वामित्र से जाके नौका भिड़वाए। गुरुवर लड़ खड़ाए चंद्र के तू मुस्काए, गुरुवर विश्वामित्र की वो राजा हंसी उड़ाए। गुरुवर विश्वामित्र की वो राजा हंसी उड़ाए। राम के पास गुरुवर आए, राम के पास गुरुवर आए, सह न सके अपमान। कथाए सुन लो लगा कर ध्यान, कथाए सुन लो लगा कर ध्यान, कथाए सुन लो लगा कर ध्यान, कथाए सुन लो लगा कर ध्यान।
गुरु विश्वामित्र क्रोध में आग बबूला होकर श्री राम जी के दरबार में आते हैं और राम जी को सारा वृतांत सुनाते हैं। अपने गुरुवर के इस घनघोर अपमान को प्रभु श्री राम जी भी सह नहीं पाते हैं और गुरु चरणों में प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल सुबह सूर्योदय होने से पहले पहले चंद्र केतु का शीश यदि मैं आपके चरणों में न ला सका तो स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर हे गुरुवर आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। प्रभु श्री राम की ऐसी अखंड प्रतिज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लग जाता है भक्तों। और उधर सब बातों से अनभिज्ञ चंद्र केतु स्वयं भगवान राम के दर्शनों हेतु प्रभु श्री राम के महल की ओर आ रहा है कि तभी मार्ग में महर्षि नारद उसको रोकते हैं और प्रभु श्री राम की भीषण प्रतिज्ञा के विषय में उसे बताते हैं। चंद्र केतु भय से कांप रहा है, मृत्यु से बचने का उपाय पूछता है तो ब्रह्म ऋषि नारद उसे बताते हैं कि तुरंत जाओ और माँ अंजनी की शरण ले लो। इस सृष्टि में केवल माँ अंजनी ही प्रभु राम से तुम्हारी रक्षा कर सकती है। श्री हनुमान और लक्ष्मण राजा को ढूंढने आते, घूम लिए तीनों लोकों राजा को वो नहीं पाते। घूमते घूमते दोनों अंजनी महल में आए, माँ के दर्शन मैं कर लूं हनुमत के मन आए। माँ अंजनी के पास में पहुँचे, माँ अंजनी के पास में पहुँचे, देखो भक्त हनुमान कथाए सुन लो लगा कर ध्यान, कथाए सुन लो लगा कर ध्यान, कथाए सुन लो लगा कर ध्यान, कथाए सुन लो लगा कर ध्यान। ब्रह्म ऋषि नारद के कहने पर राजा चंद्र केतु माँ अंजना की शरणागति प्राप्त कर चुका है और उनसे अपने प्राणों की रक्षा का वचन भरवा चुका है। इस बात से अनभिज्ञ श्री हनुमान जी माँ के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। माँ पुत्र से यहाँ आने का कारण पूछती है तो हनुमान जी माँ को चंद्र केतु द्वारा गुरु विश्वामित्र के अपमान और प्रभु श्री राम की अखंड प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं। सुनकर माँ अंजनी चिंतित हो जाती है और हनुमान को अपने वचन के बारे में बताती है। सुनते ही हनुमान जी को जैसे मूर्छा आ जाती है, हाय विधाता ये क्या हुआ, एक तरफ तो माँ का वचन है और दूसरी तरफ अपने स्वामी की आज्ञा। फिर सोचते सोचते उन्हें ध्यान आता है कि जननी तो आखिर जननी है, इसलिए श्री हनुमान जी निर्णय करते हैं कि चाहे स्वामी से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, माँ के दिए हुए वचनों की वो रक्षा मरते दम तक करेंगे। लक्ष्मण जी को जब ये ज्ञात होता है वो अत्यंत क्रोधित हो वापस अयोध्या आ जाते हैं और सारा वृतांत
प्रभु श्री राम जी के सन्मुख आकर बता देते हैं। राम के सन्मुख आए, सारा वृतांत सुनाए, बात सुन कर के लखन की राम जी क्रोध में आए। बात सुन कर के लखन की राम जी क्रोध में आए। बुलाए भरत शत्रुघ्न, बुला ली सेना सारी, अपने भगत से कर ली युद्ध की फिर तैयारी। अपने भगत से कर ली युद्ध की फिर तैयारी। चली राम की सेना भगतों, चली राम की सेना भगतों, कांप रहा ब्रह्मांड, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान। प्रभु श्री राम जी की सेना अंजनी महल के सन्मुख आ जाती है। भक्तों, आज ब्रह्मांड एक अनोखे युद्ध का साक्षी बनने जा रहा है। एक तरफ राम जी का परम भक्त है नितांत अकेला और मात्र गदाधारी, और उधर स्वयं प्रभु राम अपनी चतुरंगी सेना के साथ। राम जी की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न हनुमान जी के पीछे छुपे राजा चंद्रकेतु को पकड़ने जाते हैं, तो हनुमान जी से शत्रुघ्न का भयंकर युद्ध हो जाता है। परंतु आश्चर्य तो ये है कि हनुमान जी स्वयं अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं, बस शत्रुघ्न की छोड़ी हुई शक्तियों से स्वयं को बचा रहे हैं। ज्यों ही शत्रुघ्न कोई शक्ति छोड़ते, श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में प्रभु श्री राम का जय घोष करते और वो शक्ति स्वयं निष्क्रिय होकर वापस चली जाती। शत्रुघ्न की पराजय देख भाई भरत युद्ध करने आते हैं और परिणाम वही जस का तस। ये सब देख रहे हैं कि श्री हनुमान जी किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर रहे, आपितु केवल ऊंचे स्वर में प्रभु श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। सारी शक्तियां तिहारी, अस्त्र कोई मार न पाए, युद्ध ना करते हनुमत राम के नाम को गाए। युद्ध ना करते हनुमत राम के नाम को गाए। सूर्योदय होने वाला, वचन कहीं टूट न जाए, भक्त से युद्ध करने को स्वयं भगवान फिर आए। देखो भक्तों बड़ा राम से, देखो भक्तों बड़ा राम से, राम प्रभु का नाम, कथाए सुन लो लगा कर ध्यान, कथाए सुन लो लगा कर ध्यान, कथाए सुन लो लगा कर ध्यान, कथाए सुन लो लगा कर ध्यान।
प्रभु श्री राम को अपने सन्मुख पाकर पहले तो श्री हनुमान जी प्रभु राम के चरणों शीश झुकाते हैं, फिर भूमि पर पद्मासन लगाकर हाथ जोड़ बैठ जाते हैं और प्रभु राम के नाम का जाप करने लग जाते हैं। उचित अवसर जान लक्ष्मण जी हनुमान जी के हृदय पर शक्ति बाण मारते हैं। क्या देखते हैं कि श्री हनुमान जी नीचे गिर गए हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी पीछे देखते हैं तो पाते हैं प्रभु श्री राम भी भूमि पर गिरे हुए हैं। लक्ष्मण त्रिलोक विजेता श्री राम को इस हाल में देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रभु राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, हनुमान के हृदय में मेरा वास है, यदि तुम वहां प्रहार करोगे तो वो प्रहार मुझ पर भी होगा। मेरा भक्त मूर्छित है, मुझे उसके पास जाना होगा। यह कहकर श्री राम जी हनुमान जी के सन्मुख आकर उनके शीश पर अपना हाथ फिराते हैं। अवसर देखकर श्री हनुमान जी राजा चंद्रकेतु के शीश पर प्रभु का हाथ धरवा देते हैं और तुरंत जय श्री राम का उद्घोष करके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, भक्त वत्सल, ये शरण में आ गया है और इसके शीश आपका हाथ भी पड़ चुका है, अब तो इसे क्षमादान देना ही होगा। रामचंद्र जी चंद्रकेतु को क्षमा करते हैं। सबसे बड़े भक्त हैं हनुमत, हृदय में बसते राम है। राम की माला जपते गा रहे राम नाम है। राम की माला जपते गा रहे राम नाम है। भक्त भगवान का देखो युद्ध होने नहीं पाया, राम के नाम ने भक्तों देखो हनुमान बचाया। राम के नाम ने भक्तों देखो हनुमान बचाया। चंदन दोनों हाथ जोड़ के, चंदन दोनों हाथ जोड़ के बोले जय श्री राम। कथा ये सुन लो लगा कर ध्यान, 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 कथा ये सुन।